देख, इसमें है प्रूव दैट द डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। टू प्रूव डिटरमिनेंट दिस, एक्स साइन थीटा कॉस थीटा, एक्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स और वन, ये सेकंड रो हो गई, और थर्ड रो है कॉस थीटा वन और एक्स, कॉस थीटा वन और एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब क्या है कि अगर मैं डिटरमिनेंट को सॉल्व करूंगा ना, तो सॉल्व करने पर, डिटरमिनेंट को सॉल्व करने पर मेरे पास थीटा नहीं आएगा। ठीक है, ये करना है। चलिए जी जरा देखते हैं, हम इसमें कुछ भी हमको ऐसा नहीं दे रखा है कि आपको इसमें कुछ प्रॉपर्टी लगानी है या कुछ और लॉजिक लगाना है, कुछ नहीं। आपको इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। सॉल्व करने पर जो आप वैल्यू देखेंगे, वैल्यू में आप देखेंगे थीटा नहीं आएगा कहीं पर, तो देखो इसमें क्या होगा। एक्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स वन कॉस थीटा वन और एक्स, ये हो गया। आपका जो मन करे आप वहां उस रो के अलावा, आप इसको रो या कॉलम के अलावा आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए। हम कहते हैं कि एक्सपेंड इट अलोंग रो वन, ये हमारी फर्स्ट रो है, मैं फर्स्ट रो क्या हूँ इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। बेटा ये पहला वाला टर्म होता है पॉजिटिव, ये दूसरा वाला होता है नेगेटिव, ये तीसरा वाला होता है पॉजिटिव, तो प्लस एक्स इसको छोड़ो और इसको छोड़ो, माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वन वन, ये हो गया। फिर अगला टर्म है साइन थीटा विद माइनस साइन, माइनस साइन थीटा। अब क्या करिए, इस कॉलम को छोड़ दो, इस रो को छोड़ दो, तो माइनस साइन थीटा इंटू एक्स माइनस एक्स साइन थीटा माइनस वन इंटू कॉस थीटा, ये हो गया सिंपली कॉस थीटा। उसके बाद अगली जो टर्म है वो है कॉस थीटा विद प्लस साइन। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस का कॉस थीटा, इस कॉलम को छोड़ो इस रो को छोड़ो, माइनस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा माइनस माइनस एक्स इंटू कॉस थीटा माइनस एक्स कॉस थीटा, तो माइनस एक्स कॉस थीटा और माइनस साइन, ये तो प्लस का एक्स कॉस थीटा, ये हो गया। इसको जरा एक्सपेंड करके देखिए, एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, एक्स इंटू माइनस वन ये हो जाएगा माइनस एक्स, माइनस साइन थीटा इंटू माइनस एक्स साइन थीटा तो प्लस का एक्स साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा हो जाएगा प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा हो जाएगा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस का एक्स कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा ये हो जाएगा प्लस का एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक सभी को समझ में आ गया, सिंपली एक्सपेंड कराया और कुछ भी नहीं करा, यहां तक ठीक है। अरे आप लोग ऑनलाइन है भी या नहीं, किसी की आवाज नहीं आ रही है? ठीक यस सर। है, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा ये कैंसिल आउट हो गया। अब माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स इधर कर रहा हूं, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स ये हो गया, और एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, तो प्लस का एक्स कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जिसकी वैल्यू वन होती है, तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया
माइनस एक्स क्यूब विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, मतलब इसमें कहीं पर भी थीटा मुझे नजर नहीं आ रहा, इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, यही चीज मुझे प्रूव करनी थी इसमें, ये हो गया प्रूफ। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में है विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट प्रूव दैट, मुझे पहले ही बता दिया हमें एक्सपेंड नहीं करना है, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव करना है, इसका मतलब प्रॉपर्टीज यूज करनी है इसमें मुझे, तो टू प्रूव इधर डिटरमिनेंट है ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और तीसरा कॉलम है बी सी सी ए और ए बी, बी सी सी ए और ए बी इज इक्वल टू वन ए स्क्वायर ए क्यू वन a स्क्वायर a क्यूब वन b स्क्वायर b क्यूब वन b स्क्वायर b क्यूब और वन c स्क्वायर c क्यूब वन c स्क्वायर c क्यूब, ये मेरे को प्रूव करना है लेकिन एक्सपेंडिंग नहीं करना, मतलब एक्सपेंड नहीं करना है कहीं पर, हम लेफ्ट हैंड साइड में कर सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में कोशिश करेंगे कि कोई कॉमन टर्म आ जाए, फॉर एग्जाम्पल पहले कॉलम में कॉमन टर्म आ जाएगी तो उसको मैं कॉमन निकाल लूंगा वन वन बना जाएगा, तो डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए ए बी, और बड़े आराम से एक चीज नजर आ रही है यहाँ पर मुझे क्या, आप ये देखिएगा कि ये जो बी सी है यहाँ पर तो BC ने मतलब मेरे को इसको अगर मैं ABC बनाना चाहूँ यहाँ पर A चाहिए मुझे, ठीक है चलिए मैं पहले रो में अगर ये मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये ABC बन जाएगा, दूसरे रो में अगर मैं B मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये ABC बन जाएगा और तीसरे रो में अगर मैं C मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये वाला ABC बन जाएगा, ठीक है तो हम ये कहेंगे मल्टीप्लाई काम करिए अप्लाई आर वन इज इक्वल टू ए इंटू आर वन, आर टू इज इक्वल टू बी इंटू आर टू एंड आर थ्री इज इक्वल टू सी इंटू आर थ्री, ठीक है R1 is equal to A into R1, R2 is equal to B into R2, R3 is equal to C into R3, ऐसे ही मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो जबरदस्ती मल्टीप्लाई नहीं होता अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा सेम टर्म से, तो मैंने A से यहाँ मल्टीप्लाई करा, B से यहाँ मल्टीप्लाई करा, C से यहाँ मल्टीप्लाई करा, मतलब क्या है कि मैंने पूरे डिटर्मिनेंट को ए बी सी दे दिया, तो ए बी सी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ए बी सी से डिवाइड भी करूंगा, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी वन अपॉन ए बी सी, यहाँ पर सबको ए से मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया ए स्क्वायर ए क्यूब और ए बी सी, दूसरे रो को बी से मल्टीप्लाई करा ये बन गया बी स्क्वायर बी क्यूब और ए बी सी, तीसरे को सी से करा तो सी स्क्वायर सी क्यूब और ए बी सी, अब जो थर्ड कॉलम है थर्ड कॉलम में मुझे ए बी सी नजर आता है तो थर्ड कॉलम में से ए बी सी कॉमन ले लेंगे, टेक आउट एबीसी कॉमन कॉमन फ्रॉम सी3 सी3 में से आप एबीसी कॉमन ले लीजिए बाहर, ये एबीसी बाहर ले लिया डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी एबीसी अपॉन एबीसी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर फिर a क्यूब b क्यूब c क्यूब और लास्ट में 1 1 1 abc से abc कैंसिल आउट हो गया, अब आप क्या करिए
आप वन ये वाला जो कॉलम थ्री है और कॉलम टू इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर दो क्योंकि मुझे ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बिल्कुल लास्ट में चाहिए। तो आप देखिएगा अप्लाई C2 interchanging with C3, आप C2 और C3, column 2 और column 3 को interchange कर लो, तो determinant की value हो जाएगी। जब भी कोई column या कोई row हम interchange करते हैं position होगी तो बाहर minus sign आ जाता है, या आप ये कह दो कि minus 1 से multiplication हो जाता है। ये हो गया a square, b square, c square, 1, 1, 1, और ये हो जाएगा a cube, माइनस वन हो गया। मुझे तो सबसे पहले वन 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 चाहिए, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए, हो गया सिंपली। अप्लाई सी वन इंटरचेंजिंग विद सी टू, सी वन और सी टू को इंटरचेंज कर लो, डिटरमिनेंट माइनस वन तो था ही, एक माइनस वन और आ गया था, वन 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 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और a cube, b cube, c cube, minus 1 into minus 1 plus 1 हो जाएगा, is equal to क्या हो गया, RHS, बताइए जी समझ में आ गया, मैंने कहीं expand तो नहीं करा ना, without expansion हो गया, अनिकेत, समझ में आ गया, yes sir, yes sir, कृतिका, आकृति clear है दोनों को, clear है, yes sir, ईशान चलिए जी फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में ये बोल रहे हैं इवैल्यूएट करना है मुझे इसको, क्वेश्चन थ्री दे रखा है और याद रखिएगा पूरा डिटरमिनेंट्स वाला चैप्टर हम कर चुके हैं। अब जब मिसलेनियस कर रहे हैं तो जब तक मुझे ये ना बोला जाए कि प्रॉपर्टीज यूज करनी है या जब तक मुझे खुद से ये ना दिखाई दे कि प्रॉपर्टी यूज करना आसान रहेगा तब तक प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैं इधर कर रहा हूँ इसको evaluate बोला है, मतलब property का तो जिक्र करा नहीं है। अब पहले question लिखकर मैं देख लूंगा कि property लगाकर आसान पड़ेगा या लेंदी पड़ेगा, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिएगा, मुझे इस determinant की value निकालनी है। determinant value क्या दे रखा है, cos alpha cos beta, cos alpha sin beta, और minus sin alpha, minus sin alpha। चलो जी अगली रो, minus sin beta cos beta zero, minus sin beta cos beta zero, तीसरी हो sin alpha cos beta, sin alpha sin beta, और cos alpha। देखिए यहां पर कोई भी चीज मुझे किसी भी टर्म से कटती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन एक चीज मुझे अच्छी दिखाई दे रही है कि यहाँ पर अगर मैं कॉलम थ्री की बात करूं तो एक टर्म यहाँ पर जीरो है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कॉलम थ्री के अलावा भी इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, ठीक है। हमको कुछ बोला नहीं है कि प्रॉपर्टी यूज करनी है क्या करना है, सिर्फ ये बोला है इवैल्यूएट करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। आप देखिएगा कि मैं यहाँ पर बोलता हूँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब ये वाला प्लस का होगा, ये वाला माइनस का होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये वाला भी प्लस का होगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहां पर एक्सपेंडेड अलोंग सी थ्री, कॉलम थ्री के अलोंग आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो क्या होगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले आई प्लस विद अ प्लस साइन, माइनस साइन अल्फा विद अ प्लस साइन, ये हो गया माइनस साइन अल्फा, और फिर इस कॉलम को छोड़ दीजिए और इस रो को छोड़ दीजिए जिसमें माइनस साइन अल्फा लाई कर रहा है, इसको छोड़ो इसको छोड़ो, माइनस साइन बीटा इंटू साइन अल्फा साइन बीटा, क्या हो जाएगा, माइनस
sin alpha into sin square beta minus sin alpha cos beta into cos beta. ये क्या हो जाएगा? sin alpha cos square beta. ये तो हो गया ये वाला टर्म. फिर अगला टर्म, मैं कॉलम थ्री का लॉन्ग एक्सपांड कर रहा हूँ ना, अगला टर्म है माइनस जीरो. माइनस जीरो, जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई हो करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो इसको. अगला टर्म है प्लस कॉस अल्फा, प्लस का कॉस अल्फा. तो इस कॉलम को छोड़ दो और इस रो को छोड़ दो जिसमें कॉस अल्फा लाइन कर रहा है. कॉस अल्फा कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा. ठीक है, इसको छोड़ा इसको छोड़ा, तो कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस, और ऑलरेडी ये तो माइनस है बीच में, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ये नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि प्लस बन गया नेगेटिव नेगेटिव प्लस. तो cos अल्फा sin बीटा इनटू sin बीटा, यानी कि cos अल्फा sin स्क्वायर बीटा. अब ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, और sin अल्फा भी है और sin अल्फा भी है. यहां पर भी माइनस sin अल्फा बाहर निकाल दो, बाहर माइनस sin अल्फा है, तो ये हो जाएगा बेटा sin स्क्वायर अल्फा, और ब्रैकेट में बचेगा मेरे पास sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस. अब इस ब्रैकेट में देखो तो cos अल्फा यहां भी, cos अल्फा यहां भी, बाहर निकालो cos अल्फा को और बाहर भी cos अल्फा है, तो cos अल्फा इनटू cos अल्फा क्या हो गया? cos स्क्वायर अल्फा. ब्रैकेट में क्या बचेगा? cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा. देखिए sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा होता है 1, तो ये हो गया sin स्क्वायर अल्फा इनटू 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा. यहां पर भी cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा 1, तो ये sin स्क्वायर अल्फा बचा, ये cos स्क्वायर अल्फा बचा, तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, इसका रिजल्ट आ गया 1. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 1 है. देख लीजिए सभी को क्लियर है, बताइए जी सभी को क्लियर है ना? चलिए आगे. यस यस. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूं मैं. क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? इफ ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड डिटरमिनेंट दिस इज इक्वल टू 0, शो दैट आइदर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी. ठीक है, गिवन गिवन डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट b प्लस सी, सी प्लस ए और ए प्लस बी. ठीक है, अगली रो में c प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी. अगली रो में ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए इज इक्वल टू 0. Show that either a plus b plus c is equal to 0 or a is equal to b is equal to c. मुझे ये चीज show कर दी. देखिए कैसे करेंगे. डिटरमिनेंट की वैल्यू है ए ए, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ए प्लस बी, सी प्लस ए, ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए इज इक्वल टू 0 दे रखा है. ठीक है, अब मैं एक चीज देखता हूं उसमें. देखो b
plus C is C plus A, A plus B. C plus A, A plus B, B plus C. A plus B, B plus C, C plus A. कुछ ऐसा सीक्वेंस बना रखा है ये कि B plus C के बाद अगला टर्म C plus A है. C plus A के बाद अगला टर्म A plus B है. मतलब सीक्वेंशियली दे रखे. अगर मैं R1, R2, R3 या C1, C2, C3 तीनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो जरा आप देखिए क्या होगा. अप्लाई R1 is equal to R1 plus R2 plus R3. ये कर दीजिए आप. तो देखो B मतलब इन तीनों टर्म्स को ऐड करना है तो B plus B क्या हो गया 2B, A plus A क्या हो गया 2A, C plus C क्या हो गया 2C. तो 2A plus 2B plus 2C. इधर देखिए A plus A, 2A, B plus B, 2B, C plus C, 2C. 2A plus 2B plus 2C. और इसी तरीके से जो पहली हमारी रो है इसका जो अगला एलिमेंट है वो भी यही आ जाएगा सेम. आपको समझ में आ गया इतना? ठीक है. 2a plus 2b plus 2c. वो लास्ट का दिखाई नहीं दे रहा, मैं एक मिनट इसको उधर शिफ्ट कर रहा हूं. सबको दिखाई दे रहा है अभी? और बाकी हमारी रो 2 और रो 3 सेम रहेगी. प्लस है ए प्लस बी B plus C, A plus B, B plus C, C plus A is equal to zero. तो zero के equal वो दे ही रखा है. अब आप क्या करिए, row one में से 2A plus 2B plus 2C बाहर निकाल लीजिए. Take out 2A plus 2B plus 2C common from row one. रो वन में से ये जो चीज आई है सेम 2a plus 2b plus 2c इसको बाहर निकाल दीजिए. अब इसको बाहर लेने से क्या होगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b प्लस 2c. ये आ गया बाहर. यहां बचेगा 1 c प्लस a, a प्लस b. 1 a plus b, b plus c. 1 b plus c, c plus a is equal to 0. हां जी, इतना समझ में आ गया सभी को? यस सर. ठीक है, अब देखिएगा यहां पर दो टर्म्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है. दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है. कौन कौन सी? एक तो 2a plus 2b plus 2c, ये पूरा, और एक ये पूरा डिटरमिनेंट. तो मैं ये बोलूंगा हियर आइदर 2a plus 2b plus 2c is equal to 0, which implies that 2 कॉमन ले लिया जाए तो a plus b plus c, और 2 को उधर ले जाओ तो a plus b plus c is equal to 0. एक तो ये प्रूव हो गया. ठीक है, या तो ये जीरो है और या फिर ये डिटरमिनेंट पूरा का पूरा जीरो है. भाई या तो ये जीरो होगा और ये जीरो को किसी भी टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे उसको जीरो बना देंगे, या ये डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आएगी. अगर ये जीरो आएगी तो इसको अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो वो पूरे को जीरो बना देंगे, क्योंकि प्रोडक्ट तो दोनों का जीरो दे रखा है ना. मैं कहूंगा या तो 2a plus 2b plus 2c जीरो के बराबर है, या फिर 1 b plus a, a plus b, b plus c, और a plus b, b plus c, c plus a is equal to 0. ठीक है, या फिर ये 0 के बराबर है. लेकिन मुझे प्रूव क्या करना था, show that either a plus b plus c is equal to 0, ये तो मैंने प्रूव कर दिया, या फिर a is equal to b is equal to c, या फिर ये होगा, ऐसा करना.
तो अब इसके लिए क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट को जीरो करके देखते हैं क्या चीज कंडीशन आती है, क्या ए बराबर बी बराबर सी आता है या नहीं आता, वो देखो। तो यहां पर आप डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज लगा दीजिए, अप्लाई R2 is equal to R2 minus R1 and R3 is equal to R3 minus R1। तो इसका मतलब चेंज केवल R2 में और R3 में आप कर रहे हैं, आप R1 में कोई चेंज नहीं कर रहे। सॉरी गलत लिख दिया मैंने, C2 कॉलम C2 is equal to C2 minus C1 and C3 is equal to C3 minus C1। तो आपने C1 को फिक्स कर दिया और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए क्या होता है, C1 में कोई चेंज नहीं, 1 C plus A, A plus B। C2 की क्या वैल्यू है, C2 minus C1, देखो 1 minus 1 तो हो गया 0, A plus B minus C plus A, तो A plus B minus A से A कट जाएगा और ये हो जाएगा B minus C। पहली चीज B plus C minus A plus B, तो B से B कट जाएगा, ये हो जाएगा C minus A। उसके बाद 1 minus 1 हो गया 0, B plus C minus C plus A, तो C से C कट गया, तो हो गया B minus A। C plus A minus A plus B, A से A कट गया, ये हो गया C minus B, is equal to 0। अब expand कर दीजिए, हमारे लिए इतना sufficient होता है कि किसी भी एक रूम में दो एलिमेंट जीरो हो जाए, एक एलिमेंट वन है, बस अब एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंडेड अराउंड आर वन, आर वन के अराउंड एक्सपेंड कर दो, तो बस पहला एलिमेंट है वन, बाकी दोनों तो जीरो हो गए। तो इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, तो बी माइनस सी इनटू सी माइनस बी माइनस बी माइनस ए C minus A is equal to 0। अब जरा इसको expand करके देख लीजिए क्या आ रहा है। बेटा यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा है ना? Yes sir। ठीक है। देखिए, B into C ये हो जाएगा BC, B into minus B ये हो जाएगा minus B square। माइनस सी इंटू सी ये हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर, माइनस सी इंटू माइनस बी ये हो जाएगा प्लस का बी सी। पहली चीज तो ये हो गई। उसके बाद अगला, बीच में माइनस साइन अभी ऐसे ही रहने दो, इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको करो, गलती ना हो जाएगी। बी इंटू सी ये हो गया बी सी, बी इंटू माइनस ए ये हो गया माइनस ए बी, माइनस ए इंटू सी ये हो गया माइनस ए सी, माइनस ए इंटू ए अब देखिएगा, मेरे पास आ गया माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, ये आ गया, और प्लस बी सी माइनस बी सी कैंसिल आउट हो गया, प्लस का ए बी, प्लस का ए बी, प्लस का बी सी और प्लस का सी ए इज इक्वल टू जीरो। ये करने के बाद देखिएगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, एक एक्सरसाइज 4.2 में था। ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बल्कि दोनों तरफ आप माइनस 2 से मल्टीप्लाई करवाओ, माइनस 2 से, तो माइनस टू इंटू माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू ए स्क्वायर, माइनस टू इंटू माइनस बी स्क्वायर प्लस का टू बी स्क्वायर, माइनस टू इंटू माइनस सी स्क्वायर प्लस का टू सी स्क्वायर,
minus 2 into AB, minus 2 AB, minus 2 into BC, minus 2 BC, minus 2 into CA, minus 2 CA is equal to 0. अब क्या करना है, 2a square को split कर देंगे a square plus a square, 2b square को split कर देंगे b square plus b square, और 2c square को split कर देंगे c square plus c square, ठीक है? तो इनको अलग अलग करके ऐसे लिखेंगे कि a square plus b square minus 2ab, ये लिखिए, ठीक है? प्लस अगला ब्रैकेट b square प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, ये भी ठीक है, प्लस अगला ब्रैकेट c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca इज इक्वल टू 0. मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा, याद भी आ गया होगा, ऐसा क्वेश्चन पहले करा था, ठीक है? तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab आप सबको ऐड करके देख लो तो माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca तो मिल ही जाएगा ये वाला, और a square plus a square, 2a square, b square plus b square, 2b square, और c square plus c square, 2c square. Exact यही expression मुझे मिल जाएगा. तो a square plus b square minus 2ab, इसको मैं लोट होगा, a minus b का whole square. इसको बोलूँगा, b minus c का whole square. और इसको बोलूँगा, c minus a का whole square. आगे आप लिखेंगे, perfect squares can't be zero or negative. देखिए perfect squares ना तो zero हो सकते, perfect squares can't be negative. लिखिए पहले तो perfect squares can't be negative. Perfect squares negative नहीं हो सकते. हमने कहा कि अगर मान लीजिए ये a minus b का whole square और ये b minus, इनमें से कोई भी एक negative हो जाए, तो मान लो ये positive है और ये negative है. Positive में negative को काट दिया और ये तीसरी term zero हो गई. तो ये condition तो ये हो सकती है. हमने कहा perfect square negative हो ही नहीं सकते. Only way कि ये equation satisfy हो जाए वो तभी है जब a minus b भी zero हो, b minus c का whole square भी zero हो, c minus a का whole square भी zero. यही पॉसिबल हो सकता है ना, बताइए और कोई तरीका तो नहीं है? देखो परफेक्ट स्क्वायर नेगेटिव हो नहीं सकता, और ये इक्वेशन सेटिस्फाई कब करेगी, जब ये वाला टर्म भी जीरो हो, ये भी जीरो हो, ये भी जीरो हो. सबको क्लियर है ये चीज? यस सर. ठीक है, तो हम ये कहेंगे दिस इक्वेशन, दिस इक्वेशन होल्ड्स true only when a minus b ka whole square is equal to 0 semicolon, b minus c ka whole square is equal to 0 semicolon, c minus a ka whole square is equal to 0. इसका मतलब क्या है कि whole square 0 है, इसका मतलब a minus b is equal to 0, b minus c is equal to 0 and c minus a is equal to 0. इसका मतलब क्या, a is equal to b, b is equal to c और c is equal to a. a b के बराबर, b c के बराबर, c a के बराबर. It implies that a is equal to b is equal to c. True. समझ में आ गया? या तो a plus b plus c zero के बराबर होगा, ठीक है? पर या फिर a is equal to b is equal to c होगा, तभी ये पूरा का पूरा determinant, ये जो value दे रखी है, तभी ये zero के equal होगा. समझ में आ गया? सभी को yes, clear है? Yes, sir. Yes, बाकी सब सो गए क्या? जी आकृति क्लियर है बेटा? आकृति, कृतिका? यस सर, क्लियर. यस सर. ठीक है, ईशान? यस सर. ठीक है, ठीक है, फिर नोट कर लिया हो तो बंद कर दूं, फिर आज के लिए इतना ही बहुत है, आगे भी करके देखना मिसलेनियस के क्वेश्चंस.
हर एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और अच्छा टफ क्वेश्चन है, तो टाइम लगेगा क्वेश्चन का। बताइए सभी को क्लियर है, बंद कर दो? यस सर। नोट कर लिया? बताइए, मीटिंग एंड कर दूं? नोट कर लिया ना सभी ने? हाँ सर कर लिया। यस सर कर। चलिए ठीक है बेटा, ओके गुड नाइट।